श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 7 अप्रैल को वैशाख मास की पहली तिथि है, प्रतिपदा तिथि है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का धन लक्ष्मी के लिए इस प्रतिपदा तिथि का उपाय आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। विधिवत रूप से अच्छे से इस उपाय को समझेंगे, उसके बाद आप यह उपाय करिएगा। प्रतिपदा तिथि का यह छोटा सा उपाय, दुर्लभ उपाय, आप सभी को करना है। किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, अच्छे से समझेंगे, विधिवत रूप से समझेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। धन लक्ष्मी के इस उपाय को आप कैसे करने वाले हैं, हरे मूंग के दाने लेकर आपको सभी को यह उपाय करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मिश्रा जी के इस विशेष तिथि के विशेष उपाय को। आइए समझ लेते हैं विधिवत रूप से। शुक्रवार के दिन पड़ रही इस प्रतिपदा तिथि का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। अगर कोई भक्तजन पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ माता लक्ष्मी को, महादेव को खुश करने के लिए हरे मूंग का यह उपाय करता है तो बाबा की विशेष कृपा उसको प्राप्त होती है। देखिए, सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा कि आपको थोड़े से मुट्ठी भर हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। हरे मूंग के दाने मुट्ठी भर ले लीजिएगा। साथ ही में एक शुद्ध लोटा जल आपको लेना है। यह दोनों सामग्री लेकर किसी भी नज़दीकी शिव मंदिर में चले जाइएगा। थोड़े से हरे मूंग के दाने, एक शुद्ध लोटा जल और यह दोनों सामग्री शिव मंदिर में ले जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि सबसे पूर्व जो हरे मूंग के दाने आप अपने साथ लेकर आए हैं उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर कुछ इस प्रकार से आपको रखना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करना है। महादेव के सामने हथेली रख कर, हरे मूंग के दाने कुछ इस प्रकार से रख कर, आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है। इतना करने के बाद शुद्ध लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं उसे लेकर बिल्कुल पतली धार से जल, जब अर्पित, कब आपको जल अर्पित करना है, विधिवत रूप से अच्छे से इस उपाय को समझ लीजिए। जो हथेली में आपने हरे मूंग के दाने रखे थे 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने के बाद उन्हें शिवलिंग के ऊपर इस वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। शुद्ध लोटा जल उसके बाद लेकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए आपको शिव जी को विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक जल अर्पित कर देना है। कुछ देर मंदिर में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिएगा। आपकी धन संबंधित सारी समस्याएं दूर होंगी। साथ ही में माता लक्ष्मी, बाबा महाकाल की विशेष कृपा, अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। तो अगर आप इस उपाय से जुड़ी हुई और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे ही उपाय आगे भी जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।